केप ब्यूटी, एचआरएक्स, 82 डिग्री, नश, लव चाइल्ड, बिंग ह्यूमन, ऐसे बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं जो इंडियन सेलिब्रिटीज ने लॉन्च कर रहे हैं। आज के टाइम में इंडियन सेलिब्रिटीज खुद के बिजनेसेस लेकर आ रहे हैं, स्टार्टअप्स लेकर आ रहे हैं, बट ऐसा क्या हो रहा है कि जो इंडियन सेलिब्रिटीज के स्टार्टअप है वो एक दो साल से ज़्यादा टिक नहीं पा रहे, बहुत जल्दी फेल हो रहे हैं। आज के टाइम में अगर आप देखोगे ना, बहुत सारे सेलिब्रिटीज, हमारे चॉकलेटी बॉय शाहिद कपूर ने स्पोर्ट्स वियर ब्रांड लॉन्च किया था 2016 में, जो कि स्ट्रीट फैशन क्लोथिंग पे था, बट अभी ऑपरेट नहीं कर रहा है, ये ब्रांड फ्लॉप हो चुका है। सचिन तेंदुलकर जो कि क्रिकेट के मास्टर ब्लास्टर थे, उनका भी रेस्टोरेंट बिजनेस कम्प्लीटली बंद हो चुका है, और उन्हीं के बैटिंग पार्टनर एंड ओपनर सेवाग का भी एक रेस्टोरेंट वेंचर था, वो भी कम्प्लीटली बंद हो गया, फेल हो गया। जबकि कुछ सेलिब्रिटीज का देखा जाए बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, जैसे कैटरीना कैफ, उनका है एक बिजनेस के ब्यूटी जो कि बहुत अच्छा चल रहा है, क्योंकि कैटरीना कैफ इसकी पर्सनली ब्रांडिंग करती है, मार्केटिंग करती है, वो खुद पैशनेट है इस ब्रांड और बिजनेस के बारे में, और ये नायका पे काफ़ी अच्छा चल रहा है। रिहाना ने भी खुद का एक ब्यूटी ब्रांड लॉन्च करा जो कि काफ़ी अच्छा चल रहा है, इस समय मार्केट के अंदर प्रॉफिटेबल है। हर सेलिब्रिटी का बिजनेस फेल नहीं होता है, कुछ कुछ सेलिब्रिटीज के बिजनेस अच्छे चलते हैं। जैसे बात करूँ विराट कोहली की, विराट कोहली की नेटवर्थ आज 1000 करोड़ रुपए है, उसमें से 100 करोड़ उन्होंने क्रिकेट खेल के पैसिवली कमाए, ब्रांड्स को एंडोर्स करके कमाए, बाकी के 900 करोड़ उन्होंने बिजनेस से बनाए। देखिए उनके बहुत सारे इन्वेस्टमेंट है, जैसे ब्लू ट्राइब, रेक कॉफी, 18 उनका 100 करोड़ का एग्जिट देने वाला कंपनी था, डिजिट इंश्योरेंस में उन्होंने 2.2 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करे थे, जहां से इन्होंने 10 करोड़ का एग्जिट लिया है, गो डिजिट करके एक कंपनी है, और बहुत सारे बिजनेसेस के अंदर उन्होंने पैसा लगाया, जैसे स्पोर्ट्स बिज के अंदर पैसा लगाया उन्होंने, एफसी गोवा एसएल की फ्रेंचाइजी जहां पे इनके पास 12% से ज़्यादा स्टेक है, गुड़गांव के अंदर नीवा करके इनका रेस्टोरेंट है, वो भी बहुत अच्छा चल रहा है, स्पोर्ट्स कॉन्वो में भी इनका इन्वेस्टमेंट है, टीम ब्लू राइजिंग में भी जो यूएई बेस्ड एक रेसिंग कंपनी है जो टीम बनाती है, वहाँ पे भी इनका लास्ट इन्वेस्टमेंट हुआ था। तो काफ़ी अच्छे इन्वेस्टमेंट इन्होंने करे और 900 करोड़ का पोर्टफोलियो इन्होंने अपने बिजनेस से बनाया है। सेलिब्रिटी ब्रांड्स फेल होते क्यों हैं? देखिए पहली चीज़ समझिए, लैक ऑफ एक्सपर्टाइज। अगर आप एक सेलिब्रिटी हो, बिजनेस को लॉन्च कर रहे हो, आपके पास एक्सपर्टाइज नहीं है। देखो बिजनेस को चलाने के लिए ऑपरेशंस चाहिए होता है, टैक्सेशन चाहिए होता है, प्रोडक्ट चाहिए होता है, सर्विस चाहिए होती है, मार्केटिंग चाहिए होती है, तब जाके प्रोडक्ट चलता है। भैया अगर आपको लगता है ना मैं एक सेलिब्रिटी हूँ, 80% स्टेक में बिजनेस का रखूंगा, 10-12% किसी को दे दूंगा, CEO बना दूंगा, वो कंपनी नहीं चलने वाली है। देखो विवेक ओबेरॉय की बिजनेस स्ट्रेटेजी को समझो, वो अपने स्टेक को हमेशा कम रखते हैं, अराउंड 10-12%, 20%, 30%, 50% से ज़्यादा उनका स्टेक नहीं होता किसी बिजनेस के अंदर जहाँ पे उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं है। उससे क्या होता है, अच्छे CEO फाउंडर टीम वो बना पाते हैं और बिजनेस लंबा चल पाता है, क्योंकि दूसरे लोगों का इंटरेस्ट उसके अंदर बनता है, इंटरेस्ट नहीं बनेगा दूसरे लोगों का वो कंपनी धंधा नहीं चलेगा, इस चीज का ध्यान रखना। दूसरी चीज, एक ही डोमेन में बहुत भीड़ होना। देखो सेलिब्रिटीज क्या कर रहे हैं, जैसे जैकलीन है, उसने भी खुद का एक ब्यूटी ब्रांड लॉन्च कर दिया, कपड़ों का ब्रांड लॉन्च कर दिया, अल्टीमेटली वो फेल हो गया। अब सारे सेलिब्रिटीज अगर स्किन केयर में, ब्यूटी में आ जाएंगे ना, तो वहाँ कॉम्पिटिशन बढ़ जाएगा, उसके चक्कर में कस्टमर के लिए, कंज्यूमर के लिए डिसाइड करना मुश्किल हो जाएगा और उनका माल बिकना कम हो जाएगा, तो वहाँ से उनका ROI नहीं निकलेगा और ब्रांड खत्म हो जाएगा। विराट कोहली है, विराट कोहली ऐसा नहीं है, 18 जो कि पूमा के साथ कोलैबोरेट करके उसने फाउंड कर दिया स्पोर्ट्स वियर ब्रांड, उसी को लेके बैठा रहा, वो रेस्टोरेंट बिजनेस के अंदर गया, वो स्पोर्ट्स बिजनेस के अंदर गया, वो रेक कॉफी में, मतलब कॉफी के बिजनेस में उसने इन्वेस्ट करा, रेस्टोरेंट उसने चालू करे, तो बिजनेस पोर्टफोलियो को डाइवर्स करा, जिससे वो अपने ऑडियंस को अलग अलग बिजनेस में डाइवर्ट कर पाए। तो डाइवर्सिफाई करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तीसरा पॉइंट है ओवर प्राइसिंग। अब एक चीज़ समझिए, दीपिका पादुकोण का एक ब्रांड है स्किन केयर ब्रांड, 82 डिग्री ईस्ट, अब इसमें क्या है, उनका प्राइसिंग बहुत ज़्यादा है, 4 फिगर्स के अंदर है, बहुत प्रीमियम पैसा उन्होंने चार्ज कर रहे हैं, बट अब हुआ क्या, इसके अंदर पैसा तो प्रीमियम ले रहे हैं बट मार्केटिंग उसके हिसाब की नहीं है, प्रोडक्ट उसके हिसाब का नहीं, कस्टमर को समझ में नहीं आया, उसी चक्कर में कस्टमर उनके पास आ नहीं रहा है, उनका ब्रांड मार्केट में इतना हिट नहीं कर पा रहा है, सिर्फ उनके ब्रांड प्रेजेंस से, जो उनकी पर्सनल वैल्यू है उससे वो बिक रहा है। जैसे रेह सन बाय सोनम एंड रेहा कपूर, जो कि दोनों सिस्टर्स ने लॉन्च करा था, ये भी स्टॉप बाय स्टॉप के कोलैबोरेशन के बावजूद फेल हो गया, इतना चल नहीं पाया, मतलब बड़े बड़े कोलैबोरेशन इनको मिले, पैसे इन्होंने लगा, क्यों, इनके प्रोडक्ट्स इतने अच्छे नहीं थे, ओवर प्राइस थे, बहुत ज़्यादा प्राइस था, ये खुद की ब्रांड वैल्यू का मांग रहे थे, बट एक्चुअली में कस्टमर प्रोडक्ट चाहता था, ना कि इनकी ब्रांड वैल्यू, इस चीज को समझिए। चौथी चीज, पुअर क्वालिटी प्रोडक्ट्स। अल्टीमेटली प्रोडक्ट इज द किंग, आप बेच क्या रहे हो, कस्टमर पैसा किसके लिए दे रहा है, प्रोडक्ट के लिए। आज सैमसंग हो गया, एप्पल हो गया, वन प्लस से कॉम्पीट क्यों नहीं कर पा रहे, वन प्लस बेटर प्राइसिंग में इनसे बेटर फीचर दे रहा है, इस चक्कर में कस्टमर इन दोनों ब्रांड्स को छोड़ के इस समय वन प्लस के पास जा रहा है। तो प्रोडक्ट बहुत बड़ा किंग होता है मार्केट का, अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा नहीं है ना, कितना ही आप मार्केटिंग में जोड़ लगा दो, पैसा लगा दो, चलने नहीं वाले हो। जैसे अनुष्के साथ हुआ, अनुष्का शर्मा ने क्या बोला कि मैं पर्सनली ब्रांडिंग मार्केटिंग करूंगी, इसके इन्वॉल्वमेंट में रहूंगी, बट उन्हीं के एक टीम मेंबर ने बोल दिया था कि अनुष्का शर्मा का इस पर इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इतना ज़्यादा मैंने सारा इन्वॉल्वमेंट करा है।
ऑडियंस डाइवर्ट हो गई, नुश इतने अच्छे से ऑपरेट नहीं कर पाया मार्केट के अंदर, और काफ़ी ज़्यादा कहा गया था कि नुश के जो प्रोडक्ट्स थे वो कॉपीराइटेड थे, मतलब किसी और ब्रांड के कॉपी किए हुए प्रोडक्ट्स थे, खुद के डिजाइन इनके नहीं थे। फिर पांचवी चीज़ होती है मार्केटिंग एंड कस्टमर अंडरस्टैंडिंग एंड सपोर्ट। देखो दीपिका पादुन का जो ब्रांड है ऑल अबाउट यू 2015 में लॉन्च हुआ था मिंत्रा और जबोंग के साथ, बट उनके प्रोडक्ट्स बहुत एक्सपेंसिव थे, क्वालिटी अच्छी नहीं थी, मार्केटिंग वीक थी, इसलिए ब्रांड फेल हो गया। इंडियंस को ब्रांड पसंद ही नहीं आया ना समझ में आया। तो एक चीज़ समझो, आप कितने बड़े ब्रांड हो, अगर आपने मार्केटिंग पोजीशनिंग बहुत अच्छे से नहीं करी, कस्टमर को अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं कराए, आप कितने बड़े पोर्टल्स प्लेटफॉर्म पे चले जाओ, अल्टीमेटली आपका ब्रांड फेल होने से कोई नहीं रोक सकता है। सो फ्रेंड्स, ये वो रीजन है जिसके चक्कर में बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के ब्रांड फेल हो रहे हैं, और कुछ ऐसे सेलिब्रिटीज हैं जो कुछ फॉर्मूलाज को यूज करके अपने पोर्टफोलियो को बड़ा कर रहे हैं, अपनी ब्रांड वैल्यू से पैसे बना रहे हैं और काफी अच्छे बिजनेस को रन कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आप चाहते हो कि मैं डेडिकेटेडली अलग अलग इंडस्ट्री के जो स्टार्स हैं उनके स्टार्टअप की स्ट्रेटेजी, उनके बिजनेस की स्ट्रेटेजी, उनके बिजनेस के पोर्टफोलियो, इनके ऊपर डेडिकेटेड वीडियोस बनाऊं लेकर आऊं, तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, मैं डेफिनेटली उनके ऊपर डिटेल वीडियो लेकर आऊंगा, कैसे उन्होंने अपने स्टार्टअप की जर्नी को चालू करा, उनके बैकअप प्लान्स क्या है, कैसे वो पैसे बनाते हैं, कैसे वो पैसे को डाइवर्सिफाई करते हैं, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं, कैसे वो अपने आईपी मतलब आईपीआर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का ध्यान रखते हैं। कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, कमेंट करो, मैं उसी के हिसाब से आपके लिए इस चैनल पे वीडियो लेकर आऊंगा। आपने इस वीडियो को यहां तक देखा, हम लोगों ने सपोर्ट दिया, उसके लिए धन्यवाद।